हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको मल्टीप्लाई की ऐसी फास्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिसकी सहायता से आप विद इन 3 सेकेंड इसका आंसर निकाल लेंगे। अब आप देखिए, यहां पे मल्टीप्लाई हमको करनी है 46 की 44 से। तो इसकी मल्टीप्लाई करने से पहले आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें आपको सम ऑफ यूनिट्स प्लेस इज 10 एंड डिजिट्स बिफोर दैट आर सेम। अब आप देखिए, सम ऑफ यूनिट्स प्लेस इज 10, यहां पे यूनिट प्लेस में 4 और यहां पर 6, तो इन दोनों का हम टोटल करते हैं तो 10 आता है। और इससे पहले के जो डिजिट्स हैं वो सेम है। सेम आप यहां देखिए कि इनका जो यूनिट प्लेस है, इनका टोटल 6 + 4 = 10 और इससे पहले वाली डिजिट्स जो हैं उन सेम है। अब आप देखिए इसमें क्या है, ये इकाई के अंक हो गए और ये दहाई का अंक। दहाई के अंक एक जैसे होने चाहिए, इकाई का अंक का टोटल 10 होना चाहिए। तो अब इसको आंसर जो है 20-24 आएगा, इसका 30-16 आएगा, बहुत ही कम सेकंड में 3 सेकंड से अंदर आ जाएगा। इसके लिए आप देखिए इसको कैसे करना है, मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर आपका सेम जो डिजिट्स हैं वो क्या है, 4। तो यहां पे आप 4 में 1 ऐड करिए, कितना हो गया 5, और 5 की मल्टीप्लाई आप 4 से कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 20, वो आप यहां पर प्लेस करिए। और 6 की 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 × 4 = 24, वो आपका यहां आ गया। आप सेम देखिए, यहां पे 5 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30 और 8 × 2 = 16। अब आप अपने आप कर सकते हैं, इसका आंसर बताइए। तो क्या हो गया, 6 में आप 1 जोड़ेंगे 7 और 7 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 6 = 42 और 7 × 3 = 21। ठीक है गाइस, अब आप इस तरीके से आगे भी कर सकते हैं। ये सेम है, इसमें 9 में 1 जोड़ें 10, 10 की 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 × 9 = 90 और 8 × 2 = 16। है आसान। ये देखिए आप 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 8 की 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 × 8 = 56 और 5 × 5 = 20। कितना आसान है, आप 3 सेकंड से कम में निकाल सकते हैं, बस आपको समझने का है। देखिए फिर से देखिए, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 की 8 से करेंगे 9 × 8 = 72 और 6 × 6 = 24। सेम आप जैसे यहां देखिए, यहां पे सेम 2 है तो 2 में फिर 1 ऐड करिए 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 3 × 2 = 6, 06 लिखिएगा अगर यहां पर 6 है तो, और 9 × 1 = 9 तो 9 नहीं लिखेंगे बल्कि 09, यानी कि इसका आंसर जो आ गया आपका 609। ओके, अब आप यहां देखिए 3 में 1 ऐड करेंगे 4 और 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 × 3 = 12 और 6 × 4 = 24। फिर से आप ध्यान रखिएगा, इसके मल्टीप्लाई में आपको जो इकाई का अंक है वो आपका टोटल जो होना चाहिए दोनों का उसका 10 होना चाहिए और दहाई के अंक जो है वो आपका सेम रहना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपका ये मल्टीप्लाई 3 सेकंड से कम में ही आपका निकल जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, देखिए 4 है, 4 में 1 ऐड करा 5 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 4 = 20 और 6 × 4 = 24। सेम यहां पर 5 में 1 ऐड करिए 6 की 5 से मल्टीप्लाई कर 6 × 5 = 30 और 8 × 2 = 16। इस तरीके से हम आपको आगे के निकाल सकते हैं। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।